हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका और एक नए ब्लॉग में। तो सबका पता है सीज़न 9 का ऑक्शन हो चुका है और इस ऑक्शन में प्लेयर्स को इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी अमाउंट मिली है। इस सीज़न में प्रदीप नारोल का 1 करोड़ 65 लाख का जो रिकॉर्ड था वो इस सीज़न में ब्रेक हो गया और वो रिकॉर्ड बन के वापस ब्रेक हो गया। तो आपको बताता हूँ कैसे और किसने किया। और जो इस सीज़न की जो टॉप 10 वाई है, मतलब टॉप 10 प्लेयर है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिली है, तो आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ 1 to 10 किसको कितना अमाउंट मिला है, इस सीज़न में किसने रिकॉर्ड बनाया और उसका रिकॉर्ड फट से टूट भी गया विद इन 3 to 4 मिनट्स में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बनी रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टॉप 10 प्लेयर जिनको सबसे ज़्यादा रकम मिली है 1 to 10 पूरे आपको बताता हूँ किसको कितनी मिली है। इसमें रेडर्स भी है, डिफेंडर भी है। तो फ्रेंड्स, चलो चलते देखते हैं किसको कितने प्राइस में कौन सी टीम ने ख़रीदा है और कौन है हाईएस्ट पेड इस बार का प्रो कबड्डी प्लेयर। पूरे आपको टॉप 10 प्लेयर बताता हूँ कौन से टॉप 10 प्लेयर हैं। तो चलो चलते हैं। इस सीज़न के टॉप बाई है पवन शेरावत, तामिल थलावज ने उनको 2 करोड़ 26 लाख में ख़रीदा। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है अब तक का, क्योंकि इतनी बड़ी रकम आज तक किसी प्रो कबड्डी प्लेयर को नहीं मिली है। लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था प्रदीप नारोल का था 1 करोड़ 65 लाख और उस रिकॉर्ड को इस बार विकास कंडोला ने तोड़ दिया। विकास कंडोला को बेंगलुरु बुल्स ने 1 करोड़ 70 लाख में ख़रीदा है। तो विकास कोंडला इस बार हाईएस्ट थे, इनका रिकॉर्ड पवन शेरावत ने तोड़ दिया। फजल अत्राचली को 3 साल पहले यू मुंबा ने 1 करोड़ में ख़रीदा था, तब से 3 साल से वो यू मुंबा में ही रिटेन है। इस साल उनको यू मुंबा ने ऑक्शन में उतारा और इस बार पुनेर पल्टन ने उनको 1 करोड़ 38 लाख में ख़रीदा है और इस बार वो हाईएस्ट पेड ओवरसीज प्लेयर है। अगला नंबर आता है गुमान सिंह का। गुमान सिंह लास्ट ईयर पटना पायरेट्स में थे और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और 69 सीनियर नेशनल में हरियाणा के टीम में भी थे और इस ऑक्शन में उनको 1 करोड़ 22 लाख में यू मुंबा ने ख़रीदा है। सच्ची में बहुत ही अच्छे गुमान सिंह रेडर है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं वो। उनके बाद है प्रदीप नारोल। प्रदीप नारोल को लास्ट सीज़न में यूपी योद्धा ने 1 करोड़ 65 लाख में ख़रीदा था, फिर ये सीज़न में उनको रिलीज़ कर दिया और इस सीज़न में उनको एक्चुअली जाना था गुजरात जायंट में, जिसके कोच है राममेहर सिंह सर, और गुजरात जायंट ने भी उनको बहुत ही अच्छी बोली लगाई थी। 90 लाख में गुजरात जायंट में गए थे लेकिन FBM कार्ड का यूज़ करके यूपी योद्धा ने उनको 90 लाख में रिटेन कर लिया। लेट्स सी प्रदीप नारोल कैसा परफॉर्म करते यूपी योद्धा के लिए। उनके बाद है सुनील मलिक, जो इस बार के हाईएस्ट पेड इंडियन डिफेंडर है। उनको जयपुर पिंक पैंथर ने 90 लाख में ख़रीदा है। लास्ट ईयर वो गुजरात जायंट्स में थे, इस बार जयपुर पिंक पैंथर ने उनको 90 लाख में ख़रीदा है और इस बार ये हुआ है कि सुनील मलिक गए जयपुर पिंक पैंथर में और परवेश बैंसवाल, जिनकी सुनील मलिक और परवेश बैंसवाल की जो जोड़ी होती थी, तो परवेश बैंसवाल गए तेलुगु टाइटन में। तो देखते हैं अभी कैसा परफॉर्म होता है कि दोनों इंडिविजुअल, दोनों साथ में रहते तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, तो अलग अलग अभी देखते हैं दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। आगे है मोइन नबी बख्श, जो लास्ट ईयर बंगाल वॉरियर्स में थे। इस बार पुनेरी पल्टन ने उनको 87 लाख में ख़रीदा है। लास्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, तो लेट्स सी वो पुनेरी पल्टन के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं, देखते हैं इस सीज़न में। उनके बाद है सचिन तनवर, लास्ट ईयर पटना पायरेट्स में थे और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। पटना पायरेट्स फाइनल में थी लास्ट ईयर, ये ऑक्शन में बहुत से टीमों ने उन पर बोलियाँ लगाई थी। गुजरात जायंट्स ने उनको 81 लाख में ख़रीद लिया था लेकिन पटना पायरेट्स ने FBM कार्ड का यूज़ करके सचिन तनवर को 81 लाख में रिटेन कर लिया। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हो पटना पायरेट्स के लिए इस साल। उनके बाद है मंजीत दाहिया, जो लास्ट ईयर तामिल थलावज में थे। लास्ट ईयर भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस था और इस बार हरियाणा स्टीलर्स ने उनको 80 लाख में ख़रीदा है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे रेडर है मंजीत दाहिया। 69 सीनियर नेशनल में वो सर्विसेज की तरफ से खेले थे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, तो देखते हैं इस बार हरियाणा स्टीलर्स के लिए वो क्या करते हैं।
और कैसा परफॉर्म करते हैं हरियाणा स्टीलर्स के लिए। 10th नंबर पे वी अजित कुमार, जो लास्ट ईयर यू मुंबा में थे और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था यू मुंबा के लिए। तो इस बार जयपुर पिंक पैंथर ने उन पर बोली लगा के उनको 66 लाख में ख़रीदा है। अजित कुमार बहुत ही अच्छे रेडर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। तो देखते हो जयपुर पिंक पैंथर के लिए क्या कर सकते हैं। अर्जुन देशवाल के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी जमेगी, तो देखते हैं प्रो कबड्डी में इस बार वो क्या कर सकते हैं।